आज हम सभी त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन करना सीखेंगे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं जैसे साइन 2x इज इक्वल टू 2sin x इंटू कॉस एक्स। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x हो जाता है, कोण आधा हो जाता है। यही tan के पद में 2tan x अपान 1 + tan² x। cos 2x इज इक्वल टू कास के पदों में क्या होता है, 2cos² x माइनस 1 होता है, और साइन के पद में 1 - 2sin² x होता है। कास और साइन दोनों के पद में cos² x - sin² x, टैन के पद में 1 - tan² x अपान 1 + tan² x। tan 2x इज इक्वल टू 2tan x अपान 1 - tan² x। sin 2x और tan 2x में दोनों में अंतर क्या है, साइन में प्लस रहेगा, टैन में माइनस रहेगा, ये ध्यान देंगे। cot 2x इज इक्वल टू 2cot² x माइनस 1 अपान 2cot x। 2sin a इंटू cos b इज इक्वल टू sin a + b प्लस sin a - b। 2cos a इंटू sin b इज इक्वल टू sin a + b माइनस sin a - b। इसमें ध्यान देना है, यदि साइन और कास दोनों हैं तब साइन के पदों में आएगा मान, जब दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो, जैसे कास कास हो या साइन साइन हो, तो कास के पदों में मान आता है। जैसे 2cos a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू cos a + b प्लस cos a - b। 2sin a इंटू साइन बी इज इक्वल टू cos a - b माइनस cos a + b। पहले माइनस होगा फिर बाद में प्लस होगा। CD वाला फार्मूला क्या होता है, sin c + sin d इज इक्वल टू 2sin c + d/2 इंटू cos c - d/2। sin c - sin d इज इक्वल टू 2cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। अगर माइनस है साइन में तो cos पहले आता है, अगर sin c + sin d है तो साइन पहले आता है, ये ध्यान देते हैं। cos c + cos d इज इक्वल टू 2cos c + d/2 इंटू cos c - d/2। cos c - cos d इज इक्वल टू 2sin c + d/2 इंटू sin d - c/2। इसमें यह ध्यान देते हैं, यहाँ पे d - c/2 होता है। इसी प्रकार से 3 गुना दिया गया हो कोण का, तो sin 3x इज इक्वल टू 3sin x माइनस 4sin³x। cos 3x इज इक्वल टू 4cos³x माइनस 3cos x। tan 3x इज इक्वल टू 3tan x माइनस tan³x अपान 1 - 3tan²x। इसी सर्वसमिकाओं के उपयोग द्वारा हम समाकलन करना सीखेंगे। जैसे आपके किताब का 7वां एग्जाम्पल क्या है, cos²x dx, इंटीग्रेशन cos²x dx। चूंकि हम जानते हैं cos 2x इज इक्वल टू 2cos² x माइनस 1 होता है, यहाँ से 2cos² x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 1 + cos 2x होगा, और 2 यहाँ क्या है गुणा, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग, तो cos² x इज इक्वल टू 1 + cos 2x / 2 मिल जाएगा। तो इसके स्थान पर हम इतना रख सकते हैं, और यहाँ 2 से यहाँ ऊपर 2 पद है, प्लस और माइनस कैंची का काम करते हैं, पदों को बांटते हैं और गुणा और भाग जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ बीच में एक प्लस है तो इसीलिए यहाँ पे 2 पद हैं, तो 1/2 हो जाएगा और cos²x / 2 होगा, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 1/2 बाहर, cos²x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा cos²x का sin²x होगा, और 2x क्योंकि x का गुणांक 2 है तो यहाँ 2 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। प्रतिस्थापन में हमने पढ़ा था कि अगर किसी संख्या से गुणा है तो उससे हम भाग दे देते हैं प्लस सी।
वन बाई टू एक्स प्लस टू टू जा फोर साइन टू एक्स प्लस सी, ये हमारा सोल्यूशन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, इंटीग्रेशन साइन टू एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो से गुणा और भाग करते हैं, किस रूप में, अगर यहाँ दो हमें मिल जाता है साइन टू साइन ए इंटू कॉस बी के रूप का फार्मूला मिल जाता है, तो हमने दो से गुणा और दो से भाग कर दिया, तो टू साइन टू एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स, यहाँ टू साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है, तो तीन और दो जोड़ेंगे कितना होगा पाँच, यहाँ दो में से तीन जाएगा माइनस एक्स होगा। आगे वन बाय टू, बाहर वन बाय टू से दोनों पदों में हम गुणा करेंगे, वन बाय टू से इसमें मल्टीप्लाई होगा और फाइव साइन फाइव एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस कास फाइव एक्स, और एक्स में पाँच से गुणा है तो पाँच से हम भाग करेंगे। इसी प्रकार से वन बाय टू साइन एक्स का माइनस कास एक्स होता है, यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और पाँच दूना दस होगा माइनस वन बाई टेन कास फाइव एक्स प्लस, माइनस माइनस प्लस हुआ वन बाई टू कास एक्स प्लस सी, ये हमारा सोल्यूशन होगा। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स, चूँकि हम जानते हैं साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, यहाँ से हमें साइन क्यूब की वैल्यू निकालना है, तो इस पूरे पद को हम इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स मिलेगा हमें, तो यहाँ से फोर इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाई फोर मिलेगा, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे साइन क्यूब के स्थान पर, वन बाई फोर बाहर थ्री साइन एक्स माइनस फोर माइनस साइन थ्री एक्स, यहाँ से अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, थ्री कांस्टेंट है साइन एक्स का माइनस कास एक्स हम जानते हैं, तो माइनस थ्री कास एक्स हो जाएगा और साइन थ्री एक्स का माइनस कास थ्री एक्स होगा, और चूंकि यहाँ माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्स में तीन से गुणा है तीन से यहाँ क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो वन बाई फोर से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस थ्री बाई फोर कास एक्स, यहाँ वन बाई फोर से वन बाई ट्वेल्व हो जाएगा कास थ्री एक्स प्लस, ये हमारा सोल्यूशन होगा। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं।